हे माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आई एम श्योर आप में से काफी लोग इन्हें फर्स्ट लुक में ही देखकर लग रहा होगा कि भाई ये तो साइबरनेट्स की है, लेकिन आप में से काफी लोग इस ब्रीड के बारे में अच्छे से नहीं जानते भाई, और काफी लोग इस ब्रीड के बारे में फर्स्ट टाइम सुन भी रहे होंगे, क्योंकि भाई ये साइबरनेट्स की नहीं बल्कि अलास्कन मालाम्यूट है। वैसे भाई मेरे गुप्त सूत्रों के हवाले से ये बात भी आई थी कि जो साइबर हस्की के वुली गोट के ना, उनकी मैटिंग जो अलास्कन मालाम्यूट है उनसे कराने के बाद ही वो वुली गोट बने हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई अगर आप लोग अलास्कन मालाम्यूट को परचेज करना चाहते हो ना, तो आप लोगों को बता दूं कि इनका जो प्राइस होता है ना वो साइबर हस्की से काफी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन भाई प्राइस के हिसाब से आप लोगों को इनमें वो चीजें भी मिलेंगी जो कि इनमें होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये जो ओनर ना भाई ये इम्पोर्ट लाइन के डॉग्स रखते हैं। और इनका पता क्या भाई एक चैलेंज भी है, और वो ये है कि इनके पास जो अलास्कन मालाम्यूट होते हैं इनका जितना जॉइंट साइज होता है ना वो आप लोगों को इंडिया में और किसी के पास भी नहीं मिलेगा। और उनका इस चीज को लेकर रिकॉर्ड भी है, उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम भी है इस चीज को लेकर। और ऐसा भी नहीं कि भाई एक दो अलास्कन मालाम्यूट लिया और ये ब्रीडर बन गए, पता है इनके कैनल पर भाई पूरे 13 अलास्कन मालाम्यूट हैं। और पपीज जो ना ये केसी रजिस्टर्ड है, एंड साथ में FCI के पेपर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, एंड उन्होंने इनकी 9 in 1 तो एक डोज लगवा दी है, लेकिन उनका कहना है कि जब वो आप लोगों को पपीज प्रोवाइड कराएंगे ना उससे पहले एक डोज और लगवा देंगे, तो आप लोगों को 2 डोज लगने के बाद ही पपीज प्रोवाइड कराएंगे। वैसे पपीज की आप लोग क्वालिटी देखिए भाई, पपीज बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं, इनमें आप लोगों को दोनों ही कलर्स मिल जाएंगे जैसा कि आप लोग फ्लैश स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि पपीज के जो मदर फादर हैं वो डायरेक्ट चाइना इंपोर्ट हैं, और जो फादर है ना भाई वो अभी रिसेंटली इंडियन चैंपियन भी रह चुके हैं। तो आई एम श्योर पपीज को परचेज करने से पहले आप लोग पेरेंट्स को भी जरूर देखना चाहोगे, तो भाई उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आप लोगों को पर्सनली उनकी फोटो वीडियो सेंड कर देंगे। वैसे फिलहाल जो आप लोग पपीज के साथ देख रहे हो मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इन पपीज की मदर है या फिर फादर, तो इस चीज को लेकर आप लोग डॉग ओनर से क्लियर कर सकते हो। वैसे हाँ, ओनर की पूरे लाइफ टाइम की गारंटी होती है इनकी क्वालिटी को लेकर हर एक चीज की, अगर आप लोग चाहो तो DNA टेस्ट भी करा सकते हो। लेकिन अलास्कन मालाम्यूट को परचेज करने से पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि जिस एरियाज में आप लोग इन्हें परचेज करो ना वहाँ का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस जाता है, क्योंकि इस ब्रीड को आप लोग बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रख सकते, इनके लिए आप लोगों को टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा, इन्हें कूलर AC जरूर प्रोवाइड कराएं। वैसे ओनर का काफी सालों का एक्सपीरियंस है अलास्कन मालाम्यूट के साथ, तो जब आप लोग इन्हें परचेज करो तो हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता कर लें कि कैसे इन्हें रखना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए और किस टाइम इनकी वॉक एंड कितनी एक्सरसाइज करानी चाहिए। एनीवेज अब बात करते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो एज तो मैं आप लोगों को इन पपीज की ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अगर बात करें लोकेशन के बारे में तो ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। अगर आप लोग डायरेक्ट जाकर परचेज करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ओनर के कैनल पर विजिट करें, अच्छे से पेरेंट्स को देखें। वैसे ओनर के कैनल का जो नाम है वो है बार्क एवेन्यू कैनल, आप लोग विजिट करोगे ना तो आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा कि भाई इनके डॉग्स की क्वालिटी क्या होती है। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते तो डोंट वरी, ये आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई ओनर ने इनका प्राइस रिवील नहीं किया, उनका कहना है कि जिसे परचेज करने एक बार कॉन्टेक्ट करके इनके प्राइस के बारे में जान ले। बाकी हाँ, वीडियो पसंद आई ना तो भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूँ आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।